My name is Mukesh Ratan. So today we all are here or gathered to learn about a basic skill of table layout or table setup. So आज table setup के बारे में हम study करेंगे. आप सब आई होप फाइव स्टार होटल्स में नहीं तो लोकल रेस्टोरेंट गए होंगे डेफिनेटली खाना खाने के लिए, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर. सो आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की होंगी कुछ चीज़ें कि वहाँ पे जो कटलरी, क्रोकरी और ग्लासेस टेबल पे अवेलेबल होते हैं और उनका रियल में एक्चुअल में क्या यूज होता है गेस्ट के लिए. हमारा टेबल आपने जब रेस्टोरेंट में देखा होगा वहाँ पे टेबल स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगुलर में होते हैं, राउंड में होते हैं. तो हमारे पास जो अभी टेबल है दैट इज राउंड टेबल, राइट. सो टेबल का एक साइज होता है दैट इज 36 सेंटीमीटर वाइड, बट ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे. सो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है जब हम खाना खाने जाते हैं तो टेबल पे टेबल क्लॉथ होता है, बेस क्लॉथ होता है. द फर्स्ट थिंग जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो दैट इज बेस क्लॉथ, ये बेस क्लॉथ होगा. हम सेकेंड थिंग इज टेबल क्लॉथ, सो इसको टेबल टॉप भी बोलते हैं. टेबल टॉप हम डायरेक्ट इसलिए नहीं वहाँ पे बिछा सकते क्योंकि जो भी हम अपनी कटलरी क्रोकरी रखेंगे इट कैन बी स्लिप, वो स्लिप हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, राइट. और हमें जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम किस लिए जाते हैं, नॉट फॉर ईटिंग पर्पज बट डेफिनेटली फॉर हैविंग गुड एक्सपीरियंस. रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं जो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं बट जो हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम हमेशा वही क्यों चूज करते हैं. सो ये रीजन है. सो दिस इज द बेस क्लॉथ एंड दिस इज द टेबल टॉप.